हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवान बसीन। वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टर लॉजिक। सो गाइस, आज के मार्केट भी बिल्कुल स्टेबलाइज थी, कोई भी मूवमेंट हमें व्हाट्सएवर देखने को नहीं मिली है। बट ये बात अच्छी थी कि कल हम लोगों ने डिसाइड करा था कि क्या ये एक्यूमुलेशन जोन है या तो एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। अगर आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो वहां पर हमें पता चल गया कि इट्स एन एक्यूमुलेशन जोन एंड मार्केट एक गैप अप खोली, उसके बाद मार्केट ने एक कंटिन्यूस ट्रेंड अपवर्ड की तरफ करा एंड आफ्टर दैट वो एक साइडवेज गई और थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आया, बट उसको भी कोप अप करके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, विच इज अ गुड साइन। बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कंपेयर टू निफ्टी, बट कोई बात नहीं, बैंक निफ्टी में पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा मूव कर चुके हैं तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत थकान रही होगी, बट विद इन अ डे और टू शायद वो भी कवर अप कर ले और एक अच्छी मूवमेंट भी दे सकता है। सो राइट नाउ बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी ही हम लोग प्लान कर रहे हैं, कुछ ज्यादा बड़ा फॉल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो उस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। यस, हो सकता है कि कल शायद एक सेलिंग आ जाए और उसके बाद अगले दिन फिर मार्केट रिकवर कर जाए, या तो कल मार्केट रिकवरी और अच्छी कर सकता है ना आफ्टर दैट एक सेलिंग आ जाए, तो ये प्रोबेबिलिटी सिनेरियोस तो चलते रहेंगे। बट कल किस तरीके से काम करना है वो एक बार मैं चार्ट सेटअप पे दिखा देता हूँ, ओपन इंटरेस्ट का डाटा क्या कह रहा है एंड कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं। मेक श्योर गाइस कि आप टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना हमें मत भूलेगा, बिकॉज वहां पे हम आप लोगों को अपडेट्स देते रहेंगे कि कौन से BTST स्टॉक्स आप बाय कर सकते हो या इंट्राडे में कौन से ट्रेड्स हमें मिल रहे होंगे। सो मेक श्योर टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा एंड आप वहां जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ। हाय एवरीवन, सो हम लोगों ने अपने निफ्टी के चार्ट सेटअप पे आ चुके हैं एंड क्लियरली एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, बट वो ब्रेकआउट सस्टेन होगा या नहीं होगा वो हमें बात करनी है। सो आप यहाँ देख सकते हो मैंने 4 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है एंड एक कप एंड हैंडल पैटर्न का इट गिव अ ब्रेकआउट टुडे विद अ गैप अप, ठीक है, एंड गैप अप वो सस्टेन भी करा था। सो ये एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है, आप देख सकते हो प्रीवियस विंग हाइस थे जो कनेक्टेड थे एंड उसके ऊपर जाके आज क्लोजिंग करी है। लेट मी ओपन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम फॉर यू। सो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम यू कैन चेक कि गैप अप हुआ एग्जैक्टली इसके ऊपर, मार्केट ने एक रैली दी, आफ्टर दैट एक पॉज लिया, रिट्रेसमेंट इसे कहेंगे एंड आफ्टर दैट एक रिकवरी दोबारा बहुत अच्छी से आई है। आप पूरा अगर जूम आउट करके चेक करोगे तो आप देख सकते हो कि मार्केट गैप अप जा रही है, साइडवेज मार्केट गैप अप अगेन, साइडवेज अगेन, गैप अप अगेन, साइडवेज। सो इस तरीके से ही ट्रेंड फॉलो हो रहा है पूरे टाइम से। बट याद रखना कि FOMC की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है US में, सो वो 2-3 दिन चलेगी, तो वहां पे हम लोगों को कुछ बड़ा बिग इवेंट्स मतलब बिग मूवमेंट्स हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारी मार्केट में देखने को मिल सकती है विद इन अ डे और टू। वैसे भी कल वेडनेसडे है तो वहाँ पे ज़्यादा वॉलीटिलिटी रहने के चांसेस है, बिकॉज वेडनेसडे को ज़्यादा वॉलीटिलिटी रहती है अकॉर्डिंग टू थर्सडे की अगर हम बात करें, क्योंकि ज़्यादा कॉल एंड पुट्स एक्सचेंज होते हैं मार्केट में। सो मेरे हिसाब से हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं दोबारा 4 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन करूँ और लेट्स अंडरस्टैंड द कैंडल फर्स्ट। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कैंडल इनडिसाइसिव कैंडल है एंड देयर इज अ हायर चांस कि अगर कल गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, और अगर गैप डाउन में ये 18,080 के नीचे ओपन होता है, ठीक है, एंड मतलब आप मान के चलो एग्जैक्टली दिस लेवल के नीचे अगर ये ओपन होता है तो देयर इज अ हायर चांस कि मार्केट कल नीचे जा सकती है एंड 18,030 के लेवल्स को भी चेक कर सकती है। मतलब विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू आवर्स हमें 60-80 पॉइंट्स की मूवमेंट ऑन अ डाउन साइड ईजिली मिल सकती है आफ्टर अ गैप डाउन, ठीक है, तो ये चीज चेक करनी है, बिकॉज आई एम नॉट गोना से कि ये एक रिलायबल ब्रेकआउट है, बिकॉज सस्टेन करें दैट्स अ वेरी गुड रीजन, बट रिलायबल है नहीं है वो हमें चेक करना पड़ेगा कि कल अगर इसी लेवल पे ओपन हो के या तो ऊपर एक कैंडल क्लोज करे या तो एक गैप अप हो और वहां पर सस्टेन करे। अगर गैप डाउन होता है देर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि मार्केट नीचे जा सकती है या साइडवेज टू डाउन ट्रेंड रह सकती है, अपसाइड नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है, तो ये चीज हमें चेक करनी है। इसके अलावा एक अच्छी चीज क्या है, अच्छी चीज पर अगर आप चेक करोगे कि 18,000 पे कॉल राइटर्स ने अनवाइंडिंग करना स्टार्ट कर दिया है और ऑलमोस्ट अगर आप चेक करोगे तो पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन अभी भी इंटैक्ट करी हुई है। इसके अलावा 18,100 पे भी आज ऑलमोस्ट 3 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल राइटर्स ने ऐड करे और उसके अकॉर्डिंगली 7 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स पुट राइटर्स ने ऐड करे, विच इज अ वेरी गुड साइन। दैट मीन्स कि वो 18,100 को भी होल्ड करना चाहता है। अगर कल गैप डाउन आता है तो देयर इज अ माइट चांस कि अगर वो सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर नहीं जल्दी रिकवरी कर पाया ओपनिंग के टाइम पे, तो बहुत जल्दी लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे और मार्केट शायद थोड़ा सा नीचे जा सकती है। बट अगर गैप डाउन नहीं आता और मार्केट स्टेबल रहती है या गैप अप खुलती है तो वहां पर हमें चांसेस अच्छे मिल सकते हैं। इसके अलावा चेक कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी का मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन कर देता हूँ एंड ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम आप चेक कर सकते हो कि गैप अप तो ये भी खुला था एंड आफ्टर दैट एक रिकवरी आई थी, एक फॉल भी आया बट यहाँ पर इसने पॉज ले लिया। ये फॉल अगर और भी नीचे आता है तो वी डोंट हैव टू वरी, मैंने आपको जैसे कि बताया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं तो वो पॉज लेने के चक्कर में हमारी मार्केट में बैंक निफ्टी ने थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लिया, बट इट्स नॉट अ बैड साइन।
अगर ये इस लेवल तक भी इंटैक्ट है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता 40,800 का, तब तक हम लोग बैंक निफ्टी में स्टिल एक बाय मोमेंटम रख सकते हैं। इसके अलावा इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, बट अगर हमें इसमें बाय करना है, एक सडन मूवमेंट हमें इसमें कॉल ऑप्शन में कवर करनी है, तो हम लोग 41,430 के ऊपर एक बाय पोजिशन बना सकते हैं और हमें इजिली वहां से 200-250 पॉइंट्स के टारगेट्स मिल सकते हैं। मतलब ऑन अ स्ट्राइक प्राइस आई एम नॉट सेइंग, ऑन स्पॉट प्राइस आई एम सेइंग कि 200-250 पॉइंट एक मोमेंटम ये दिखा सकता है और आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो इसको भी वॉच करके चल सकते हैं, बट अबव 41,430 रुपीज़ का। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा रिलायंस इंडस्ट्री, इसका मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन कर देता हूँ एंड बहुत सिस्टमैटिकली ये वर्क कर रहा है पर्टिकुलर स्टॉक। आप देख सकते हैं इट्स कंटिन्यूसली मेकिंग अ हायर राइज एंड हायर लोज, एंड जब भी अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करता है, इट केम फॉर अ रीटेस्ट एट दैट पर्टिकुलर लेवल एंड इट स्टार्टेड टू गो अप एंड अगेन ब्रेक इट्स प्रीवियस स्विंग हाई। सो आप देख सकते हो कि इसने एक प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करा एट दिस पर्टिकुलर लेवल, तो दिस इज अ न्यू प्रीवियस स्विंग हाई एंड इसका भी ब्रेकआउट करा एंड क्रिएटेड अ न्यू हाई एंड आफ्टर दैट अब यहाँ से एक फॉल आया है, इसने यहाँ पर एक हैमर क्रिएट करी है एंड इट्स ट्राइंग टू गो अप अपने प्रीवियस स्विंग हाई से। सो आई पर्सनली थिंक कि अगर अभी जो इसका करंट प्राइस है दैट इज 25-30 रुपीज़ का, अगर 25-37 के ऊपर सस्टेन करता है देन ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई तक इजीली जा सकता है, दैट शुड बी दिस पर्टिकुलर लेवल, तो हम इसे वॉच करके भी चल सकते हैं। आई थिंक ये अच्छे रिटर्न दे सकता है। सो जब तक RSI 55 या 50 के ऊपर सस्टेन है, तब तक हम रिलायंस के अंदर एक बुलिश मोमेंटम रख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने सेकेंड स्टॉक की। सो आवर सेकेंड स्टॉक इज महिंद्रा CII ऑटो, इसका मैं डेली टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन कर देता हूँ एंड यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ है। लेट मी जस्ट शो यू, देख सकते हो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर और इसका ब्रेकआउट दिया, इट गेव अ ब्रेकआउट, यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, ऑलमोस्ट 325 रुपीज़ के लेवल पर रिजेक्शन मिला है एंड इट केम डाउन। आफ्टर इट केम डाउन आप देख सकते हो एक 3 शेडोड कैंडल्स के वे में ये नीचे आया एंड देर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर सकता है एंड RSI भी एग्जैक्टली 50 को टेस्ट कर गया था, बट आफ्टर दैट इसने एक इनडिसाइसिव कैंडल ड्रॉ करी एंड इनडिसाइसिव कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर जाके आज इसने क्लोजिंग करी है, विच इज अ गुड साइन। सो अगर ये 306 के ऊपर कल 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है महिंद्रा CII के अंदर, हम अपना एक बाय सेटअप बना सकते हैं, ऑलमोस्ट आई कैन एक्सपेक्ट कि 320-325 के लेवल्स इजिली ये पर्टिकुलर स्टॉक दिखा सकता है। आफ्टर दैट एक बड़ी मोमेंटम आई है, बड़ी मोमेंटम के साथ देर इज अ हायर चांस कि ये एक रेंज बाउंड सेशन के अंदर हो और एक फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट दे सकता है। सो मेक श्योर अभी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम है, तो हमें अच्छे टारगेट्स देखने को इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर मिल सकते हैं। सो यहाँ पर आप बाय करेंगे, इसके नीचे का आपको स्टॉप लॉस रखना है और देर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी की ब्रेकआउट देके और नए लेवल्स आ सकते हैं, तो मेक श्योर आप इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जरूर ऐड करें। अब बात करते हैं अपने लास्ट स्टॉक की, दैट इज रेणुका। सो रेणुका शुगर की अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने भी अच्छा करा है एंड आप चेक कर सकते हो कि एक राइजिंग चैनल के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक काम कर रहा है एंड रिसेंटली ये जो मल्टीपल रेजिस्टेंस थे, इस रेजिस्टेंस का इट गेव अ ब्रेकआउट, इट गेव अ रीटेस्ट, अगेन इट क्रिएटेड अ न्यू हाई एंड नाउ इट अगेन केम फॉर अ रीटेस्ट और एक अच्छी कैंडल आज इसने दिया, ऑलमोस्ट 7% की मूवमेंट दी है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अभी हम लोगों ने ऑलरेडी इस पर बाय पोजिशन बना रखी है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग ये 63-64 तक जा सकता है। करंट प्राइस चल रहा है 58 रुपीज़ का, तो डेफिनेटली यू कैन बाय, बट अगर कल ये 58 के ऊपर सस्टेन करता है और RSI का आप चेक करते हो कि ये 55 के ऊपर निकलना स्टार्ट कर रही है, देन इस पर एक बहुत बढ़िया मोमेंटम कैरी ऑन हो सकती है, वहाँ पे एक अच्छा टाइम होगा बाय करने का। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी नहीं बाय करा हुआ तो आप तब के लिए वेट कर सकते हो। सो मेक श्योर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ये 3 स्टॉक्स थे एंड ये थी एनालिसिस, आई होप आपको पसंद आया होगा। सो मेक श्योर टू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन कि आप और नए क्या आप ग्रेडिशन चाहते हो, किस तरीके से हम और चेंजेस लेकर आ सकते हैं, शुड वी इंक्रीज आर स्टॉक एनालिसिस या फिर हम और किस तरीके से आप प्रेजेंट करें जो आपको हेल्पफुल हो। सो प्लीज डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन एंड लाइक दिस वीडियो, हैव अ गुड डे गाइस एंड मेक श्योर गाइस टू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहेंगे, वहाँ पर आप लोगों को ट्रेडिंग रिकमेंडेशन मिलती रहेंगे जिसके थ्रू आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, कभी बार माइनर लॉसेस भी हो सकते हैं बट इट्स nobody's फॉल्ट, हम चार्ट सेटअप आप लोगों को देखकर बताते हैं, कभी कभार सही जाता है कभी कभार गलत जाता है। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।